चीन पर राहुल गांधी ने पहले भी बोला है, लेकिन इस बार अमेरिका में बोले और ऐसे बोले कि चारों तरफ से फंस गए। सो व्हाट इज हैपेंड, द वेस्ट, अमेरिका, यूरोप, इंडिया हैज गिवन अप ऑन द आइडिया ऑफ प्रोडक्शन एंड दे हैव हैंडेड इट टू चाइना। द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट्स जॉब्स। व्हाट वी डू, व्हाट द अमेरिकन्स डू, व्हाट द वेस्ट डज is we organize consumption। चीन को बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई चीन बेरोजगारी की समस्या से दूर है? हकीकत यह है कि जुलाई में चीन में 16 से 24 साल के युवाओं के लिए बेरोजगारी दर 17.1% की नई ऊंचाई पर पहुंच गई। दिसंबर 2023 में यह आंकड़ा 14.9% था, जबकि साल 2002 से 2009 तक चीन में बेरोजगारी दर 4.2% थी। राहुल गांधी डबल डिजिट की पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भी आपस में लड़ाने का काम करते हैं। उनको मजा इस बात से आता है कि देश को अगर कुछ नुकसान होता है तभी वो बाहर जाके चीन की बैटिंग करते हैं और भारत के बारे में झूठ फैलाते हैं। दुख की बात यह है कि आज हमारा विपक्ष कंस्ट्रक्टिव विपक्ष नहीं है, वो भारत को हानि भी पहुंचा सकता है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। देश की जनता को ऐसे विपक्ष से डर है और देश की जनता ऐसे विपक्ष से सचेत है कि ये कोई भी कॉन्स्पिरेसी देश के खिलाफ फैला सकते हैं। पर सच्चाई की बात यह है कि आज देश का गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है और विपक्ष की इतनी कॉन्स्पिरेसीज के बावजूद देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए के साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस बात पर आपत्ति जताई कि राहुल गांधी दुश्मन देशों की तारीफ क्यों कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टिकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, यही राहुल गांधी है। ये तो हुई विवादों की बात। अमेरिका में राहुल गांधी ने ऐसे बयान भी दिए जिस पर वो कार्यक्रम के बीच ही फंसते दिखे। सॉरी, इट्स नॉट इंडिया अलायंस, दैट्स अ बीजेपी फ्रेमिंग, इट्स इंडिया अलायंस। व्हाट्स द लास्ट वर्ड स्टैंड फॉर? What does the A stand alliance for at the end? So wouldn't it be redundant to say India? No, alliance? No, it's not. Because the whole idea of the alliance was to put across to the people of India that India is being attacked.